नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। हमने संडे के दिन एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात किया था कि निफ्टी किधर जा सकता है। हमारा पॉजिटिव सोच था लेकिन एक गड़बड़ी हो गया मार्केट। हम जो सोचे थे कि ये लेवल तोड़ेगा तो पॉजिटिव जाएगा, वो लेवल तोड़ा लेकिन वापस आ गया। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो गया, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी किए। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो आवरली कैंडल चार्ट को अगर देखेंगे तो स्टिल मैं मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। स्टिल ये राइजिंग वेज के अंदर ही है मार्केट, और यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ा है और फिर से सपोर्ट लेके वापस जाने की कोशिश करा। मैं स्टिल पॉजिटिव हूँ मार्केट में, हो सकता है कल आपको मोमेंटम देखने के लिए मिले या ना मिले, लेकिन इस हफ्ते के एंड तक आपको पॉजिटिव रैली देखने के लिए मिलेगा। 18,000 के पार निफ्टी आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं और भी बुलिश हूँ लेकिन अभी से नहीं बताऊँगा कि कितना देर तक जा सकता है निफ्टी, ठीक है। तो आपको अगर मार्केट में कल मैं रेजिस्टेंस आपको दिखा रहा हूँ 15 मिनट का, इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो आप जोरदार एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर 15 मिनट में भी आप देख सकते हो फॉलिंग वेज और उसको तोड़ के गया है। तो मैं आपको कहूँगा अगर 17,800 के ऊपर निफ्टी आपको मिलता है या मार्केट कल खुलता है तो पॉजिटिव साइड में रहें और उस कॉल में आप बने रहें। वो हो सकता है कि स्टॉप लॉस आपका डर लग रहा है तो पोजीशन बड़ा मत कीजिए, एक लॉट दो लॉट लेके बैठे रहिए। हो सकता है तो नेक्स्ट वीक कर लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप छोटे छोटे मूव्स पकड़ दो, उससे अच्छा मैं कहता हूँ कि आप लॉन्ग मूव्स पकड़िए और छोटे कॉल्स, आउट ऑफ द मनी कॉल्स लेके रखिए जो कि इन द मनी हो जाएगा। 18,000 का कॉल बहुत सस्ता मिल रहा है, 18,700 का कॉल भी इस हफ्ते का सस्ता है। अगर अगले हफ्ते के लिए आप प्लान कर रहे हो तो 18,000 का कॉल ले सकते हो। एक रात में पैसा बनाने की सोचिए ही मत, हल्का हल्का पैसा बनाइए। एक टाइम आएगा 6 महीने 7 महीने में आप इतना पैसा जोड़ चुके होंगे जहां पर आप बड़े रिस्क ले पाओगे। खाली हाथ आप अगर रिस्क लोगे तो बहुत प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो, राइट। उसी तरह हम बैंक निफ्टी को थोड़ा नजर डालेंगे। बैंक निफ्टी में आज ट्रेड लिया नहीं, सवेरे मैंने एक ट्रेड लिया था बाई साइड में और पैसे भी अच्छा मिल रहा था लेकिन मैंने बुक नहीं किया। जीरो, नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल गया, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। एक साथ 10 लॉट मैंने खरीदा था लेकिन कहते हैं ना बैड लॉक, तो कंफ्यूज कर दिया मार्केट और वापस आ गया। एनीवेज, पुट साइड में फिर से मार्केट जब नीचे गया मैंने पुट में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूँ आपका अगर डायरेक्शन गलत हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, लॉस हो रहा है तो उस दिन आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। बहुत बड़ा प्रॉफिट भी बन रहा है तो आप उसके अगले दिन ट्रेड करना छोड़ दीजिए क्योंकि आपको बहुत एनर्जी होगा और एनर्जी को आप गलत जगह पे यूज़ करोगे। तो ये है। तो अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे लो आया था, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेवल हमने पहले से ही रखा है 18,180 के पास है, वो सपोर्ट लेवल पे टच करके वापस जाने की कोशिश कर रहा है। कल अगर निफ्टी 41,380 के ऊपर चलता है तो आपको नया हाई देखने के लिए मिल सकता है। नया हाई मतलब हो सकता है 41,800 या 42,000 भी पार हो जाए। बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ, 800 पॉइंट 900 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है, साइडवेज मार्केट है, इसलिए आपको माइंड में बैठ गया है कि 200-300 पॉइंट के अंदर ही आपको निकल जाना है। जब मार्केट चौपी होता है तभी ब्रेकआउट होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। पॉजिटिव के डायरेक्शन में हम अभी जोरदार हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो 41,180 अगर तोड़ता है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा नेगेटिव जाए लेकिन फिर भी रेंज बाउंड होकर वापस आने की कोशिश में रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, और आज के लिए मैं एक स्टॉक दे रहा हूँ आपको जिसमें आप खरीदारी कर सकते हो, ITC। बहुत अच्छा लग रहा है और 15 मिनट के चार्ट हो या कोई भी आप अगर देखेंगे चार्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट देके रेंज बाउंड में है, W पैटर्न बनाया है। यहाँ पे हम बुलिश हैं, 380 के टारगेट में जा सकता है तो 380 का कॉल ले सकते हो। 190 रुपये 195 रुपये चल रहा है, हमने 180 रुपये में कुछ लॉट्स खरीदे हुए हैं। अगर कल मूवमेंट देता है आप इसमें एंट्री कर सकते हो 40-50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा के। जितना मुझे पता है मार्केट अगर नेगेटिव होता है तो हो सकता है आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट, अच्छा सा मूव देखने के लिए मिले FMCG सेक्टर में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हर रोज ऐसे ही हम निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर फोरकास्ट बनाएंगे और कुछ स्टॉक्स भी आपको देंगे जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। तो देखिए, आपको अगर कॉल्स चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है।
ऐसा करता हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है ये आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।